इन तस्वीरों में प्रदेश की नायब सरकार के विकास का काम हो रहा है। विकास की रफ्तार इतनी तेज है कि मूसलाधार बारिश भी इसको रोकने में नाकामयाब रही। जैसे जैसे बारिश तेज हो रही है, ठीक वैसे ही सड़क बनाने का काम भी तेजी से होता जा रहा है। मूसलाधार हो रही बारिश में बन रही सड़क को दुनिया के 8वें अजूबे की श्रेणी में रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले शायद ही कहीं ऐसा हुआ होगा जहां इतनी जबरदस्त बारिश में भी सड़क बनाई गई हो। और तो और, अब तो एक्सप्रेसवे मंत्री के नाम से मशहूर नितिन गडकरी को भी नायब सरकार के सामने घुटने टेक देना चाहिए, क्योंकि अब तक तो वो भी इस टेक्नोलॉजी से अवगत नहीं हुए होंगे कि भारी बारिश के दौरान कैसे सड़क बनाई जाती है। गलती किसकी है, सरकार की, ठेकेदार की या फिर बारिश की, जिसने सरकार के विकास के काम को रोकने की जरूरत की, वो भी तब जब सरकार हाल ही के लोकसभा चुनाव में 5 जीती हुई सीट हार गई हो और दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में महज 3 महीने ही बचे हो और सरकार अपनी वोट बैंक को साधने के लिए हर वो काम करना चाहती हो जिससे सीधे जनता का जुड़ाव हो। दरअसल ये तस्वीर करनाल की है जहां ये चमचमाती सड़क बनाई गई और यहीं से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सांसद बने हैं। और तो और, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विधानसभा क्षेत्र भी यहीं आता है जहां से वो विधायक बनकर आए हैं। अब इस सड़क बनाने को लेकर आसपास के लोगों ने भी सवाल उठाए हैं, सुनिए। सर कैसे चलेगी सर, जब तक पानी नहीं निकलेगा तब नहीं बनाने चाहिए। जैसे ठेकेदार सड़क को बनाते हैं, अब इस देखते हुए अगर सड़क इस मॉल में बनाएगी तो कैसे चल पाएगी वो, महीना भर भर भी नहीं चलेगी सर वो तो। हमसे तो जैसे ये सूखने के बाद ही बनानी चाहिए थी, तो ये गलत है। बारिश में बना रहे हैं, ये बरसात में बना रहे हैं, देखो ना साहब आपके सामने, देखो बरसातें बनी हुई है, गलत कर रहे हैं ये गलत से भी गलत कर रहे हैं जी। ये तो क्या लग रहा है आपके, क्यों बना रहे हैं, किसी वीआईपी आना है, किसने, किस वजह से बनी? इसमें किसी वीआईपी ने नहीं आना, किसी ने कुछ नहीं आना जी। कम से कम बरसात के रुकने के बाद ही इन्होंने बनाना चाहिए, किसी को बन रही है कि टूट जाएगी कहेंगे बर्बाद। हाँ हाँ, ठेकेदार के मिली भगत होती है, जैसे ये कर करा के ऐसा करते हैं, ये यही कारण समझते हैं, यही कारण है जी। बाकी कोई तो यही है जी, जो कि क्यों बना रहे, कम से कम इंतजार करो, थोड़ा मौसम साफ हो उसके बाद बनाओ। बारिश में कभी कोई सड़क बनती है? जितना सामान लगाओगे वो सारा वेस्ट होगा, बर्डन किससे पड़ रहा है, बर्डन पड़ेगा ये सारा का सारा आम जनता पे, आम जनता के टैक्स का पैसा ऐसे वसूला जा रहा है, तो गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। इतनी तेज बारिश थी, बारिश के बीच में इन्होंने काम नहीं रोका, बिल्कुल काम नहीं रोका, अभी भी चल रहा है, देखो कितना पानी बारिश, ये सारा खराब हो चुकी है, ये जो पैसे की वेस्टेज हो रही है, आम जनता के पैसे का नुकसान हो रहा है, गलत हो रहा है, ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। क्या समझे कि कोई वीआईपी आना था, किस वजह से, क्या दिक्कत थी, क्या? ये तो प्रशासन को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, प्रशासन ने कोई एक्शन लेती नहीं इनके ऊपर, ठेकेदार के कॉन्ट्रैक्टर को अधिकारी मौके पे होना चाहिए ना, जो कोई भी मौके पे नहीं है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्टर में अपना काम कर रहा है वो करके चला जाएगा, बाद में फिर आम जनता को भुगतना पड़ेगा इस चीज को, इनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, जांच हो इसकी। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के आने के बाद विपक्ष भी हरियाणा की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने इस वीडियो को टैग करते हुए पोस्ट किया है जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार ने नई टेक्नोलॉजी इजाद की है, इससे बारिश में सड़क बनाई जाती है, इस टेक्नोलॉजी को नरेंद्र मोदी के नाम से पेटेंट किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का नाम होगा बारिश में सड़क बनाओ, भ्रष्टाचार से पैसा कमाओ। अब इस सड़क को लेकर विपक्ष नायब सरकार को चारों तरफ से घेरने में जुट गई है, तो वहीं अब देखना होगा कि इस मामले पर सरकार की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।